आप ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। कैसे ओरिजिनल है? कैसे रहा? आधार कार्ड है आपके पास? आधार कार्ड है, ओरिजिनल का डालिया है। किन्नर को क्या चीज नहीं होता है? ये डालिया है ओरिजिनल। हम भी नए हैं, सब चीज है। सब चीज कहां से? नया है। तो इधर सुनिए। हाँ, तो ये लोग, इन लोगों का जो अस्त्र शस्त्र है वो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग पेशाब करने लगे, यहाँ पर शौच करने लगे ताकि हम लोग इनके करीब नहीं जा सके। बाकी अब आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, दारू महक रहा है। अरे अभी हम सटे हैं आपके पास महकी। सही बताइए कहाँ से पिया है? दारू नहीं पीते हैं। बताइएगा। कसम से भगवान माता माई मोलिया। आप लोग ट्रांसजेंडर हैं? नहीं, परेशान नहीं करने आया आपको, क्योंकि किसी तरीके का आपको कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग ट्रांसजेंडर हैं? है, हमको पता नहीं है सर। यहाँ पर क्या कर रही हैं आप लोग? यहाँ पर क्या कर रही हैं आप लोग? उससे पूछिए, उससे मेरे मालिक। मालिक कौन है आपके? उधर उधर है, लंबे अपना घर। तो वो भी आप लोगों की जाति से ही है? जाइए ना उधर, हमको समझ नहीं आता बोलने की। अब देखिए, बेगूसराय में है और यहाँ देखने को मिला कि किन्नरों के द्वारा यहाँ पर जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं उन लोगों से पैसा लिया जा रहा है। और जैसा इन लोगों का कहना है कि हमारे मालिक हैं, मतलब कि कोई इंसान इनसे यहाँ पर ये सारा धंधा करवा रहा है। और देखिए, ये लोग भागने का प्रयास कर रही हैं। और ज़रा इधर आ जाइए। मालिक कहाँ है आपके? मालिक कहाँ है? उधर। मालिक को बुलाइए भाई। इधर आइए, इधर आइए अमरेश भाई, इधर आइए। आप लोगों को ऐसे ही परेशान किया जाता है गुजरते हैं तो? हाँ। कितना पैसा लेता है? ₹10। हर बार जब यहाँ से गुजरिए टोल टैक्स के अलावा पैसा देना पड़ता है। हाँ। देखिए, ये एक तरीके से कहा जाए तो गुंडागर्दी का कह सकते हैं इसे। ऐसे ही पड़ता है? हाँ हाँ, ऐसे ही पड़ता है। दिन में भी पैसा ही कौन लेता है? पैसा लेता है 20 रुपया लेता है। जिससे 10 ले सकते हैं उससे 10, जिससे 20 उससे 20। और देखिए, अभी आपको लेकर के चलते हैं तो देखिए ट्रकों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और कहीं ना कहीं टोल टैक्स यहाँ पर, टोल गेट भी यहाँ पर बाधित होता नजर आता है। बाकी इनका कहना है कि हमारे मालिक से पूछिए कि वो इस तरीके का धंधा क्यों करवाते हैं हमसे। और इधर आइए, इधर आइए। यहीं पर रहते हैं आप लोग? क्या हुआ? ये लोग दिन भर, मतलब कि दिन और रात में यही धंधा करती हैं? जी सर। यहाँ पर आम जो ट्रक वाले हैं उनको परेशान करती हैं? जी सर। आइए जरा आइए। अब कौन है गिरोह का, कौन मालिक है और किस लिए, क्या मजबूरी है कि ये धंधा इन लोगों को करना पड़ता है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ भाग रही है? कहाँ भाग रही हैं? रुक जाइए, सब तो यही चीज बोल रहे हैं कि इससे हमको बोले नहीं आता उससे। नाम क्या, नाम बताइए ना पहले। सुनिए मैडम, उससे पूछ रहा हूं। चलिए लेके चलिए, कौन है? मालिक कौन है? मालिक कौन है? हम नहीं जानते मालिक। उधर कहाँ है मालिक? उधर है, उधर जाओ। यहाँ कौन परमिशन दिया है इस तरीके का काम करने का? देखिए, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गिरोह टाइप का चल रहा है, मनमानी कह लीजिए या जो कह लीजिए। यहाँ पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसमें ये भी नहीं पता है कि ये लोग किन्नर समाज से हैं या फिर नहीं, या फिर बस ये लोग ढकोसला कर रहे हैं और ये लोग भागने का क्या कोशिश कर रहे हैं। जरा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग आए हैं तो ये लोग, इन लोगों का जो अस्त्र शस्त्र है वो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग पेशाब करने लगे, यहाँ पर शौच करने लगे ताकि हम लोग इनके करीब नहीं जा सके। बाकी अब आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, हाँ। किन्नर समाज से हैं? हाँ, किन्नर समाज से। अच्छा, इस तरीके से क्यों ये आप लोग जो, आपके भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं, किसी तरीके से आपको परेशान नहीं करेंगे। आप लोग जो इस तरीके का काम करती हैं, लोगों से मांगती हैं, तो अगर एक इज्जतपूर्वक रूप दिया जाए आपके जो ये सब कुछ करती हैं उसके जगह आपको सरकारी नौकरी दी जाए तो वहाँ पर काम करना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगी या फिर इसी तरीके से मांगना ज़्यादा? नहीं, वहाँ पर अच्छा है, वहाँ पर काम करना चाहेंगे आपके साथ। रात को क्यों आप लोग मांगते हैं? आप ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। कैसे ओरिजिनल है? कैसे है? आधार कार्ड है आपके पास? आधार कार्ड है, ओरिजिनल का डालिया है। किन्नर को क्या चीज नहीं होता है? ये डालिया है ओरिजिनल। हम भी नए हैं, सब चीज है। सब चीज कहां से? नया है। तो इधर सुनिए। हाँ बोलिए। तो हमारा जो कर्तव्य है वो तो हम करेंगे। आप मांगती हैं, अच्छी बात है। ये आप लोगों का पहले से चला रहा है, आपके पूर्वजों से ही चला रहा है। हाँ, आधार कार्ड होगा ना आपके पास? आधार कार्ड भी है। दिखाइए आधार कार्ड। पास में नहीं है, रूम पर है। मोबाइल वोबाइल किसी चीज़ में कोई जीरोक्स वीरोक्स होगा ना? है, तो मेरा गुरु गया है।
मोबाइल गुरु के पास में। गुरु कौन है आपके, मेल है या फिर किन्नर समाज? नायक है। अच्छा, बेगूसराय के। अच्छा, तो वो भी किन्नर समाज से? हाँ, किन्नर है। तो जो कमाती हैं आप लोग, जो कुछ कमाती हैं, वो किसके पास जाता है? आपके पास रहता है कि मालिक को देते? मालिक को देते हैं। तो किन्नरों में आप लोगों की मालिक है, वो आपको कैसे पैसा देती है? वो हमारा कुछ है, उसको हम गल्ला देते हैं। हाँ। जो ना होता महीनवारी उससे देते हैं। तो आपको महीने पर वो रखी हुई है? हाँ। महीना पर यहाँ रखा जाता है। यहाँ नहीं, जना गल्ला होता है न, माँ बाप जैसे रहते हैं जो कमा के देते हैं उसको। तो मतलब आपका कहना है कि उनको आप माँ बाप की तरह, गार्जियन की तरह देखती हैं, और जो कुछ भी आप कमाती हैं दिन भर में उनको दे देती हैं, और जो आपका जरूरत का होता है महीने में वो ना उससे हम मांग लेते हैं। हाँ, जो हमारा खाना पीना कपड़ा लता हिंटे सब मांगते हैं। बेगूसराय के। अच्छा, बचपन से लेकर के अभी तक उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा? हाँ, वही पाल पोस के बड़ा। आपके माता पिता जो थे, जो रियल माता पिता, वो क्या किया आपके साथ? वो हमको बहुत बहुत बचपन में मती कर दिए, दे दिए। तो जब माता पिता आज के जीवन में, अभी तो बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता होगा, यहाँ से गुजरती होंगी, तो बहुत सारे लोग तो आपसे डरते होंगे कि आपका श्राप खराब, आपका श्राप खराब होता है इसलिए शांत रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपको गाली भी दे करके निकल जाते होंगे, तो दुख होता है उस चीज़ का? तो दुख होता है तो हमको महसूस हम कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में वो इज्जत मिल पाता है, जैसे लोगों के बीच में आम लोग जिसको कहा जाता है। आपके नज़रिए से आप भी आम हैं, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से देखिएगा तो लोग कहते हैं कि आप आम नहीं हैं, आप आम लोगों से अलग हैं, तो दुख होता है इस चीज़ का जब इस तरह के भेदभाव होता है। होता है, क्या करें, हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई उपाय नहीं है। ये रात को मांगने वाला क्या सिस्टम है? दिन में भी मांग सकती हो आप लोग? दिन में भी अभी हम लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अब देखिए 12 रात बज रहा है, 12 रात बजने वाला है, और ये लोग का अभी तक यहाँ शुरू है, यहाँ कह रही है कि अब हम लोग जाएंगे, अभी लोग कब जाएगी कोई पता नहीं है। इधर सुने, नाइट ड्यूटी होता है ना, तो हम लोग को नाइट बना है, दिन वाली बताइए। ये लोग कभी नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी ये लोग कभी होता है, जबकि ऐसा नहीं है, टोल गेट पे रात को ये लोग नहीं मांग सकती है, ये सब जगह नियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग मांगती हैं, इसके वजह से ड्राइवर लोग को तो काफी परेशानी, वो लोग खुद करते हैं नहीं करते कुछ? अरे ड्राइवर लोग बोला, अभी हम लोग बोला कि हम लोग एकदम परेशान हो चुके हैं, ड्राइवर लोग बोला कि हम लोग परेशान करती है। हम लोग तो प्यार से देता है, देता हम तो छोड़ देते हैं, जबरदस्ती भी हमारा पर भी कानून है। हाँ, हम भी है। हाँ, हम पर है, हमारा मालिक भी दंड करता है। अच्छा, दंड करता है मतलब मारता है, पीटता है? आप लोग हमारा पीटा जाता है तो हमारा गार्जियन नहीं रहे, गार्जियन है तो गलती क्या गलती कर देती है? ड्राइवर के जबरदस्ती को मांगते हैं दो भैया सर। कौन आप? दारू है? अरे अभी हम सटे हैं आपके पास महकी, सही बताइए कहाँ से पिया है? दारू नहीं पीते हैं, बताइएगा। कसम से भगवान माता माई मोलिया। चलिए, तो आपको मारा पीटा जाता है कुछ गलत करते? ओ नहीं, वो अपना उसका बाल बच्चा है तो नहीं करेगा। अच्छा, बाकी देख सकते हैं ये बेगूसराय है, और एक चीज़ बताइए कि हम लोगों को देख के बाकी आप गलत नहीं कर रही हैं? जो गलत नहीं रहेगा तो आप यहाँ खड़ी रही ना। हाँ। बाकी लोग क्यों भाग गए हैं? डराते हैं किस लिए? डर देते हैं? हाँ, बुला दीजिए, सबको बुला दीजिए, यहीं पे हैं। चलिए, देख सकते हैं ये बेगूसराय जिला है, और बेगूसराय जिले के इस टोल टैक्स पे अभी हम लोग मौजूद हैं, और कई दिनों से ये ड्राइवरों की शिकायत आ रही थी कि भाई इस टोल टैक्स पे, इस टोल प्लाजा पे परेशान किया जाए, ड्राइवर लोग ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोगों को बोला गया। तो हम लोग अगर इसका वीडियो बना रहे हैं, रात के यहाँ मतलब 12 बजने वाला है, उस समय हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादातर अमूमन देखा जाता है कि ये लोग मांगते तो हैं, अच्छा दिन भर में और बार गस्ती वाला और लोग आते हैं, तो उन लोगों से भी ऐसे ही पैसा मांगता है ये लोग? गस्ती वाले से मांगता है कि नहीं, पुलिस वाले से पैसा? नहीं, आप किनके बारे में बोल रहे हैं? पैसा ले ऐसा पुलिस वाले से पैसा लेती हैं ये लोग? पुलिस वाले से काहे पैसा लेगी, तो ड्राइवर से पैसा ले। जो आम गरीब लोग हैं उन लोगों को बस परेशान करती हैं ये लोग। हाँ, इससे जिसको भी परेशानी हो जाए और गाँव को भी परेशानी हो जाती है, इसलिए क्योंकि देखिए अभी सबसे फर्स्ट में नहीं सर, एक यहाँ पर जो किन्नर समाज के लोग हैं ना, ड्राइवरों का शिकायत है कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ज़बरदस्ती पैसा मांगा जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को परेशानी हो रही है, आम ड्राइवरों को यहाँ पर, इस चीज़ से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो गए। गाड़ी वाले ने बोला कि देखिए हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ज़बरदस्ती पैसा मांगा जाता है, तो हमने सोचा कि देखते हैं, सब भाग गए हैं यहाँ से, जितने भी लोग थे वो लोग भाग गए हैं। ज़रूर इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए भाई, जो पुराने समय से ये चला आ रहा है, लेकिन सही है, वो लोग मांगते हैं सही है, अपनी इच्छा अनुसार दीजिए, लेकिन किसी तरीके का जबरन जबरदस्ती करना ये सही नहीं है। अब देखिए, अब सबके सब भाग गए भाई, अब वो जो बुलाने गए हमें भी पता था, हम नहीं चाहते हैं, हम जजमेंट देने वाले कोई नहीं है, उनके समाज का चीज़ है, उन्हें करना चाहिए या ना करना चाहिए ये तो देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन
यहाँ पर जो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं उसके वजह से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ पर इन तमाम चीज़ों के वजह से कहीं ना कहीं आम लोग जो अपने परिवार के साथ जाते रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लज्जित होना पड़ता है। इन लोगों की वजह से जो होता है ना कि ड्राइवर लोग पैसा देने की वजह से भागते हैं, जब भागते हैं ना तो भागते क्रम में कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना होता है। हाँ, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति बना हुआ है। कहीं और आम जगह पे होता तो ये सब जो है ये लोग जो है बहुत ज्यादा जो साफ सुथरा तो ही है लेकिन डुप्लीकेट भी बन जाता है। दाढ़ी वगैरह छिला के चीजों से दिक्कत, देखेंगे ये लोग का जो है ना दाढ़ी वगैरह भी था पता है, जिसका रहता है किन्नर लोग ओरिजिनल होता है तो उसका दाढ़ी वगैरह नहीं होता है, प्लेन होता है, लोग छिलवा करके सेव करा गया है, मैंने खुद टेस्ट किया है देख करके उसको। इस चीज की जानकारी हमें नहीं थी, पता नहीं किन्नरों का दाढ़ी वगैरह होता है कि नहीं। भैया जैसा बता रहे कि इनकी दाढ़ी नहीं होती है लेकिन हो सकता है कि ये लोग फर्जी हो, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस पे मुस्तैद होना पड़ेगा और यहाँ पे टोल गेट पे उनको रहना पड़ेगा, रह करके उन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। इधर देखिए गार्ड साहब एक चीज बताइए, ये लोग इसी तरीके से परेशान करती हैं। अच्छा बता दीजिए, एक आम नागरिक के तौर पे बताइए, परेशान करता है तो करता है, आप लोग मना नहीं करते हैं? मना करते हैं हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी का बातें नहीं, किसी का। आप लोग प्रशासन को बोले कभी? अभी बोला है हमने प्रशासन को, वो जाकर बोले हैं कि हम बड़ा बाबू को बोलते हैं और बड़ा बाबू इस पे एक्शन लेंगे। लेकिन आप लोग भी तो काफी ज्यादा परेशान रहते होंगे, इन लोगों की वजह से जाम भी लगता होगा। जितना काम रहेगा उतने कर सकते हैं। अच्छा इन लोगों की वजह से जाम भी लगता होगा, यहाँ काफी जाम लगता है थोड़ा बहुत। आपको क्या लग रहा है ये लोग असली किन्नर हैं क्या? अब हमको थोड़ी मालूम चलेगा, दाढ़ी वाली छिलवा के लग रहा है कि आया हुआ है ये लोग। अब देखिए जब सवाल करना हमने शुरू किया दूर दूर तक किन्नरों का कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है, कोई यहाँ नहीं नजर आ रहा है। यहाँ से सभी लोग 9-2-11 हो गए हैं। नहीं जो भी आए ना बुलाने के लिए, मैं बुला करके आ रही हूँ और वो भी गायब हो गए, सारे सारे गायब हो गए यहाँ से। और हमें पता था कि कोई नहीं आने वाला है क्योंकि भाई साहब यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा है किन्नरों के नाम पे, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गंदा कारोबार चल रहा है, गंदा खेल चल रहा है और बस पैसे लूटने के लिए यहाँ पर ये तमाम चीजें चल रही हैं। इस बात को कहने में भी कोई यहाँ पर संकोच नहीं होना चाहिए। बाकी क्या सोचते हैं ऐसे मुद्दों पे और क्या सोचते हैं इन तरह के किन्नरों के नाम को बदनाम करने पे, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को देखिए, जरूरी आप लोगों को बता देते हैं कि ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं लगभग 12 बजे रात को बना रहे हैं वीडियो, आप समझ सकते हैं। बहुत लोगों का शिकायत आया था, बहुत ड्राइवर लोगों ने कंप्लेंट किया था, इसके बाद हमने इस वीडियो को बनाने का काम किया है और आप लोग इसको दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग इससे सावधान हो जाए और जो टोल गेट पर रहते हैं वो ऐसे लोग ना रहे यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, डुप्लीकेट भी है, ओरिजिनल नहीं है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये जो है ये फर्जी हैं, असली किन्नर ऐसे नहीं करते हैं और असली किन्नरों वाले लक्षण इनमें नहीं दिख रहे थे, इसलिए शायद लोग और ज्यादा इनसे रुष्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा लोग इनसे तकलीफ में है। बाकी इसके ऊपर क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।